मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश को लेकर जो लॉकडाउन का निर्णय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही करना है और वो ही इस निर्णय को करेंगे। 14 तारीख को 21 दिन का लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। और उम्मीद ये की जा सकती है कि आज देर शाम तक इस बारे में कोई स्पष्ट नोटिफिकेशन आ जाए, स्पष्ट आदेश आ जाए कि आखिरकार प्रधानमंत्री देश में लॉकडाउन को लॉकडाउन 2.0 लागू करने वाले हैं या फिर उस लॉकडाउन में किसी प्रकार की कोई नरमी या कोई ढिलाई बरती जाएगी। ये ऐलान अभी होना बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इसको लेकर फैसला प्रधानमंत्री को करना है। इसके साथ में राज्य सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन पर विचार किया है। पूरी तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लॉकडाउन की घोषणा करेंगे, जिस तरीके की बात वो करेंगे, आदेश वो देंगे, लेकिन उस आदेश के बाद में राज्य सरकार भी अपने तरीके से एक मॉडिफाइड लॉकडाउन पर विचार कर रही है। इसके लिए कमेटियां बना दी गई थी और उन कमेटियां अब जो दिशा निर्देश जो अलग अलग संस्थाओं से बातचीत हुई है उसके आधार पर वो फैसला लेगी, क्योंकि जयपुर में अभी जो है वो कम्युनिटी संक्रमण की स्थिति नहीं है। हालांकि राजस्थान में जयपुर में सबसे ज्यादा केसेस आए हैं, लेकिन अभी तक कोरोना वायरस के लिए हम कम्युनिटी स्थिति में नहीं पहुंचे कि किसी प्रकार से कम्युनिटी संक्रमण हो। और उसके साथ में जो भीलवाड़ा था, भीलवाड़ा के अंदर जिस तरीके से कंट्रोल किया गया, तो इसका मतलब अभी तक के जो आंकड़े राजस्थान सरकार के पास है उसके मुताबिक स्थिति अभी कम्युनिटी संक्रमण की नहीं है। मुख्यमंत्री ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी उसमें जो मीडिया कर्मियों को संबोधित किया था, चर्चा की गई थी, उसके अंदर भी स्पष्ट मुख्यमंत्री ने कहा था कि लॉकडाउन और वित्तीय सुधारने के लिए जो गृह विभाग के एसीएस हैं राजीव स्वरूप और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव हैं अरविंद मायाराम, इनकी समितियों को जिम्मेदारी दी गई थी, इनकी अध्यक्षता में समिति तैयार की गई थी और वो समिति ने रिपोर्ट जो देगी उसी को अमल में लेकर आया जाएगा और उसके बाद ही मॉडिफाइड लॉकडाउन की अलग अलग एक व्यवस्था प्रदेश के अंदर बहाल कराई जाएगी। समितियों ने ये कुछ सिफारिश की है जिसमें अलग अलग जोन के टाइप से उन्होंने सिफारिश की है, उन्होंने पॉइंट बनाए हैं कुछ, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक हाई रिस्क एरिया होगा और उसके साथ में एक मीडियम रिस्क एरिया होगा और उसके साथ एक लो रिस्क एरिया होगा। समिति ने जो सिफारिश की है उसमें हाई रिस्क एरिया को इस तरीके से बताया है कि 10 से अधिक और कोरोना पॉजिटिव जहां पर होंगे, जिस जिले के अंदर संख्या 10 से अधिक कोरोना पॉजिटिव की होगी वो अत्यधिक जोखिम भरा क्षेत्र होगा, वहां पर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी लॉकडाउन के दौरान और कर्फ्यू वहां पर सख्ती से जारी रहेगा। यानी कि जैसी स्थिति उन इलाकों में अभी है वैसी ही स्थिति आगे तक रहेगी, वहां पर किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, जिसके अंदर जोधपुर शामिल है, भीलवाड़ा भी शामिल हो सकता है, उसके अंदर जयपुर है ही शामिल, कोटा भी उसके अंदर आता है, जोधपुर उसके अंदर शामिल है। तो ये जो इलाके हैं ये हाई रिस्क एरिया हैं और इन हाई रिस्क एरिया के अंदर किसी प्रकार की कोई छूट सरकार नहीं देगी। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और जो तमाम बचाव के उपाय हैं उनकी पालना के लिए सख्त निर्देश भी जारी होंगे। इसके साथ में जो कमेटी है उन्होंने एक मीडियम रिस्क एरिया बनाया है। मीडियम रिस्क एरिया के अंतर्गत उन्होंने 10 से कम लेकिन 5 से ज्यादा जिन इलाकों के अंदर पॉजिटिव केसेस आए हैं कोरोना के, वहां पर उस इलाकों को उन्होंने मीडियम रिस्क एरिया में लिया है और उसके तहत इन इलाकों को जोखिम क्षेत्र जहां सोशल डिस्टेंसिंग और बचाव के उपायों का सख्ती से पालना होगी, लेकिन इन इलाकों के अंदर निजी वाहनों को छूट दी जाएगी और इसके साथ किसी भी वाहन में एक ही व्यक्ति होगा। यानी कि निजी वाहनों को छूट कुछ हद तक दी जाएगी लेकिन उन वाहनों के अंदर दो व्यक्ति नहीं होंगे, यानी कि कार के अंदर सिंगल व्यक्ति होगा, टू व्हीलर के ऊपर सिंगल व्यक्ति होगा। रविवार को इन इलाकों में निजी वाहनों पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है, यानी कि रविवार के दिन कोई भी निजी वाहन अलाउड नहीं होगा। फूड स्टोर, ग्रोसरी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें हैं और जो शोरूम है वो खोले जा सकते हैं, उस पर विचार किया जा सकता है। धार्मिक स्थल जनता के लिए नहीं खुलेंगे और राजनीतिक जुलूस पर भी पाबंदी रहेगी। इसके साथ साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग, जिम, ये तमाम सेंटर्स हैं ये नहीं खोले जाएंगे। सामान्य स्थिति तक सरकार का ये आदेश हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस ही जारी रखी जाए। सिनेमा घर नहीं खुलेंगे, जिम नहीं खुलेंगे, क्लब, स्विमिंग पूल, इन तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके ऊपर पाबंदी रहेगी। सामाजिक आयोजन जितने भी होंगे उसमें 20 से अधिक लोग नहीं होंगे, इसको लेकर भी उसमें साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इन इलाकों के अंदर आवश्यक औद्योगिक इकाइयां जो है वो खुली रहेंगी, लेकिन उसमें भी एक शर्त होगी कि जो श्रमिक होंगे वो स्थानीय होंगे।
इसके साथ ही कमेटी ने एक नो रिस्क एरिया बनाया है, नो रिस्क एरिया को भी पॉइंट आउट किया है, जिसमें नो रिस्क एरिया के अंदर उन जिलों को लिया जा रहा है जहां 5 से कम पॉजिटिव और 14 दिन के अंदर कोई भी नया पॉजिटिव केस जिन जिलों में नहीं मिला होगा वो नो रिस्क एरिया घोषित होंगे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से पालना होगी। ऐसा नहीं है कि किसी भी एरिया के अंदर अगर कोई भी केस नहीं है तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जाएगी, धारा 144 की पालना नहीं होगी। ये तमाम नियमों की पालना तो उन इलाकों में होगी ही होगी, लेकिन थोड़ी सी नरमाई और थोड़ी सी ढिलाई देने की कोशिश है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है वो गड़बड़ इस वक्त हो रही है और उसको संभालना इस वक्त बहुत जरूरी है। तो नो रिस्क एरिया के अंदर कार्यालयों के अंदर 50% स्टाफ रोस्टर पद्धति से चलेगा, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी और उसके साथ सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव, इन तमाम चीजों का उपयोग भी उनको करना पड़ेगा। 50% स्टाफ जो होगा वो वर्क फ्रॉम होम करेगा। इसके साथ ही उद्योग इकाइयों का जो आधा स्टाफ होगा वो कार्यालय में आएगा, आधा स्टाफ जो होगा वो घर से काम करेगा। तो इन इलाकों के अंदर औद्योगिक इकाइयों को थोड़ी सी राहत मिल सकती है, औद्योगिक इकाइयां जो हैं वो शुरू हो सकती हैं। बाजार, रेस्टोरेंट और अन्य खाने पीने की जो दुकानें हैं वो खुल जाएंगी, लेकिन उसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ होम डिलीवरी सिस्टम शुरू होगा। लोगों को बाहर नहीं जाना है, लोगों को किसी प्रकार से रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खाना है, खाने पीने की कोई भी चीज वहां पर बैठकर नहीं मिलेगी, वहां आपको खाने को नहीं मिलेगा, खाना लेकर आपके घर ही आ जाएगा। और इसके लिए ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं उनको राहत दी जा सकती है, वो कंपनियां इस पर शुरू हो सकती है। इन तमाम इलाकों के अंदर दो पहिया वाहन पर एक और जो चार पहिया वाहन है उन पर दो सवारी हो सकती है, उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 की कड़ाई से पालना करनी है। धार्मिक स्थल किसी प्रकार से नहीं खुलेंगे, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग सेंटर ये नहीं खुलेंगे, सिनेमाघर, जिम क्लब, स्विमिंग पूल ये किसी भी हालत में फिलहाल नहीं खुलेंगे। शादी और सामाजिक आयोजन 20 से अधिक लोग वहां पर नहीं होंगे, शादी समारोह स्थल नहीं खुलेंगे, लेकिन शादियां जो फंक्शन है घरों के अंदर हो रहे हैं उसमें केवल और केवल 20 लोगों को इजाजत दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए अभी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आए हैं। नो रिस्क एरिया है और इसके अंदर एक ऐसा नो रिस्क एरिया में एक और पॉइंट जिला सेलेक्ट किया गया है, जैसे कि जिस जिले में एक भी अभी तक पॉजिटिव केस नहीं है, राजस्थान के कुछ जिले हैं जहां पर एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है, वहां पर 14 दिन में अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है तो वहां पर तमाम उपायों को अपनाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए जो सरकारी और निजी दफ्तर हैं वो खुल सकते हैं, औद्योगिक इकाइयां खुल सकती हैं, बाजार, दुकानें, होटल, निजी वाहन ये सामान्य दिनों के जैसे संचालित हो सकते हैं। रेस्टोरेंट और खानपान की दुकानों में बीच की एक टेबल खाली रखी जाएगी, यानी कि जो टेबल की व्यवस्था, यानी कि मान लीजिए किसी जगह 10 टेबल थी तो वहां पर अब 5 टेबल ही होगी। परिवहन सेवा के अंदर भी 50% की क्षमता से ही सवारियां बैठाई जाएंगी, सवारियां पूरी तरीके से उसमें नहीं रहेगी, जो क्षमता है वो 100% की तो उसका 50% कर दिया जाएगा। और इसके साथ में बाकी जो चीजें हैं जिसमें जिम, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर ये तमाम चीजें जो है वहां पर पाबंदियां अभी की तरह ही जारी रहेगी। यानी कि कुल मिला के सरकार ने थोड़ी सी राहत देने का फैसला जरूर किया है, कोशिश कर रही है सरकार कि जो कमेटी के सुझाव आ रहे हैं उनके ऊपर फैसला किया जाए, लेकिन जो फैसला होगा वो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन फैसलों के अंदर कुछ प्रकार से मॉडिफिकेशन करेंगे और उस मॉडिफिकेशन के आधार पर राज्य के अंदर लॉकडाउन को कड़ाई से पालना करने के लिए दिशा निर्देश देंगे। हम हमारे दर्शकों को बता दें जो तमाम बातें अभी आपको बताई गई है, ये जो चीजें हमने बताई है ये केवल और केवल अभी सुझावों के आधार पर है, ये किसी प्रकार से अधिकृत तौर पर घोषणा नहीं हुई है इसकी और ना ही इसका किसी प्रकार से ऐलान अभी हुआ है। ये केवल सुझाव है जो अधिकारियों ने अभी मुख्यमंत्री को दिए हैं, मुख्यमंत्री तक पहुंचाए हैं कि इस तरीके से जो प्रदेश की इकोनॉमी है, जो आर्थिक हालात पर हम पिछड़ते जा रहे हैं, किसी प्रकार से मजदूर वर्ग को परेशानी ना हो उसको लेकर है। वहीं केंद्र सरकार को भी एक चिट्ठी लिखी है, गृह विभाग है उनके एचएस को चिट्ठी लिखी है जिसके अंदर कई तरीके के सुझावों को दिया गया है। पत्र के अंदर उसमें कहा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, कंस्ट्रक्शन वर्क के वर्क को शुरू कर दिया जाए और उन कंस्ट्रक्शन वर्क के यहाँ पर जो मजदूर काम करेंगे उन मजदूर की तमाम मजदूरों की जिम्मेदारी जो होगी वो ठेकेदार की और मालिक की होगी। वहां से एक भी मजदूर अपने घर नहीं जाएगा, उन तमाम मजदूरों के रहने की, खाने की व्यवस्था जो कंस्ट्रक्शन का जो ठेकेदार है उसको करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ उनके सोने की व्यवस्था वहीं होगी। साथ में केंद्र सरकार को जो दिए गए हैं सुझाव, दिए गए जो पत्र लिखा गया है उसके अंदर
एक बात का जिक्र और किया गया है कि जो सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं, इन लोगों को वापस काम पे आने दिया जाए, और इसके साथ में जितने भी जिसमें इलेक्ट्रिक हो गए, प्लम्बर्स हो गए, ये जो कल पुर्जे वाले जो लोग हैं, जो इस वक्त छोटे छोटे काम है, प्रेस करने वाले लोग हैं, सब्जी बेचने वाले लोग हैं, जो छोटी छोटी समस्याओं को समाधान करते हैं, उसको ठीक करते हैं, इन लोगों को भी राहत देने का उसके अंदर पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि इन लोगों को छूट दी जाए, लेकिन किसी को भी दुकान पर नहीं जाना है, घर बुलाकर काम करवाया जाएगा, लेकिन वहां पर भी तमाम जो इस समय कोरोना महामारी के दौरान जो उपाय अपनाने के लिए कहा गया है, वो सभी इन लोगों को अपनाने होंगे। मोबाइल रिपेयरिंग शॉप के लिए भी कहा गया है कि मोबाइल रिपेयरिंग शॉप को भी खोला जाए, लेकिन वहां पर भी किसी प्रकार से भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। ये तमाम जो बातें हैं, ये एक पत्र में सुझाव के तौर पर लिखी गई है, अभी तक इसको लेकर किसी प्रकार का आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, ये हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें। लेकिन ये सुझाव वो हैं जिन सुझावों पर सरकार को अमल करना है, क्योंकि ये वो असंगठित क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा नकदी की दिक्कत इन लोगों को हो सकती है और हो रही होगी, इसीलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि इन लोगों को किसी प्रकार की नकदी की दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ी सी सहूलियत इनको दी जाए। ऐसा सरकार देर शाम तक आज कुछ ना कुछ ऐलान जरूर कर सकती है। खैर, देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले क्या ऐलान करते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पर क्या फैसला लेते हैं, और फैसले के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार राजस्थान के अंदर लॉकडाउन को लेकर स्थिति क्या रहने वाली है।